हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर यार हम बात करेंगे। देखो मैं थोड़ी सी थोड़ा लेट इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि जो रशिया में अभी जो जो बी टेक इंजीनियरिंग वगैरह के है और एम बी ए वगैरह के लिए, तो मैं सोचा इसके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी थी। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, भाइयों के फ़ोन भी आते हैं, तो मैं कई बार उठा नहीं पाता क्योंकि शेड्यूल ही अभी ऐसा हो रहा है, तो काम पे काम, कभी कुछ मीटिंग है, तो ऐसा वैसा जो है वो चल रहा है अभी। तो मैं सोचा चलो आज फाइनली अभी फ्री हुआ हूँ मैं, तो अभी भी जस्ट मेरे को और भी काम है वो करने, मैं सोचा चलो टाइम निकाल के बना देते हैं आज इसके ऊपर वीडियो। तो वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है यहाँ पे बी टेक वगैरह में इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हो रशिया में, और जो काफ़ी अच्छा, जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि बी टेक में लेना है, एम बी ए में चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चाहिए, तो वो भी है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ, बाकी चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या है सारी चीज़ें। तो देखो एक बार यहाँ आसपास का वेदर वगैरह दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऐसी कुछ गाड़ियाँ हैं, ये भी मैं रेंट पे ले सकता हूँ, मतलब ऐप आता है ये देखो यनडेक्स ड्राइव, तो ऐप डाउनलोड करो, अपना लाइसेंस डालो और ये आपको मिल जाएगी, तो आप चला सकते हो इसको, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखो ऐसा कुछ वेदर है, अभी गर्मियाँ हैं लेकिन मतलब ठीक है यार, इतना भी नहीं है, इतनी भी गर्मी नहीं है। और यहाँ पे देखो ये ऐसी कुछ बिल्डिंग है, तो ये कम से कम 33 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ पे ओजोन का रबना और यहाँ पे ऐसा है, तो आसपास सही है। यहाँ पे देख लो ये दूसरी बिल्डिंग है, ये बन रही है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और वेदर देखो बिल्कुल जो है वो मतलब गर्मी जैसा ही है, तो वो है। बाकी बारिश वगैरह के हैं और ऐसे कुछ यहाँ पे जो है गाड़ी वगैरह ऐसी होती है, तो देख सकते हो सारी मतलब बर्फ़ वगैरह तो है ही नहीं, काफ़ी मस्त है। अभी बात करते हैं यार बी टेक के लिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको बी टेक करनी है ना तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इंग्लिश में भी होगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, थोड़ी सी महंगी होती है इंग्लिश में। अगर आप रशियन में लेते हो, रशियन लैंग्वेज के अंदर जो है आप अपना बी टेक वगैरह करते हो, तब आपको जो है वो बहुत सस्ती पड़ती है, कई बार जो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और ऊपर से स्टाइपन भी मिलता है, शायद स्टाइपन का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको जो है बहुत सस्ती पड़ती है आपको, और आपको जो स्कॉलरशिप भी जो है वो मिल जाती है। तो ये बात है यार अपना जो है ट्राई करने के लिए। अब उसके बाद जो है उसके बाद बात करते हैं, देखो एमबीए भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, और वो कोशिश करना अगर आपको जैसे पीटेक वगैरह करनी है आपको रशिया में, तो आप आउटर में जाओ मॉस्को से दूसरी सिटी, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ती भी पड़ेगी और हॉस्टल वगैरह भी काफी जो है मतलब वो भी सस्ते पड़ेंगे और आपको जो है सही होगी, क्योंकि देखो हवा वगैरह चल रही है। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भाई आवाज वगैरह का थोड़ा सा कुछ करो, तो मैं अभी देखो माइक वगैरह ऑर्डर कर दिया मैंने, तो वो आने वाले हैं, जैसे ही आते हैं फिर मैं जो माइक वगैरह लगा के प्रॉपर, और अभी मैं सोच रहा हूँ कैमरे वगैरह में भी जो अपग्रेडेशन है वो भी करना जरूरी है, तो वो भी करेंगे। तो देखो बीटेक का यही है यार, देखो जल्दी से जल्दी जो है मैं वो कोशिश कर रहा हूँ यही कि अपना जो है आए और आपसे बातचीत करके एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो, तो आप बने रहना यार, मैसेज वगैरह डालते रहो, मैं बात करता रहूंगा आप पे, और बहुत ही जल्दी जो बीटेक का आपका कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो सारा जो है वो आता रहेगा। और अब उसके बाद जो बात है आपकी एमबीए की भी चल रही है, एमबीबीएस के एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप, और अगर आपको लगता है नीट में मेरा नंबर आ जाएगा तो आप भी जो है यहाँ पे अपना जो आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ये भी है काफी अच्छा है यार, आप करा सकते हो। बाकी चलो यही अपडेट देनी थी मेरे को कि बताना था कि भाई चलो एमबीबीएस और जो बीटेक वगैरह इनके लिए चल रहा है, जैसे आते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, बाकी वर्क वीजा वगैरह की भी बात चल रही है, काफी अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया।